रुक करते हैं क्वेटा का, जहां पर ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज सरदार सहर गुल खान कलेजी बॉक्सिंग चैंपियनशिप कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। चैंपियनशिप पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के तावन से कचलाक बॉक्सिंग एकेडमी में हुआ, जिसकी मेहमान खसूसी नईम खान कलेजी और पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर अब्दुल गनी मेंगल थे। इनके हमरा फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल्ला रंग, इंजीनियर जवेद हजारा, डिस्ट्रिक्ट पशीन के सदर सनोपर खान, डॉक्टर नसीम भी थे। इस चैंपियनशिप में पशीन, क्वेटा और कचलाक के क्लबों के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें कचलाक बॉक्सिंग एकेडमी ने 5 गोल्ड 4 सिल्वर लेकर पहली पोजीशन ली। अली बॉक्सिंग एकेडमी पशीन ने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर साथ दूसरी पोजीशन, फजर बॉक्सिंग एकेडमी क्वेटा ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। मेहमान खास ने खिताब करते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कचलाक में बॉक्सिंग चैंपियनशिप देखने को मिला। मोहम्मद आसिफ काकड़ को कामयाब चैंपियनशिप पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, अब्दुल गनी मेंगल ने खिताब करते हुए कहा। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि बलोचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में चैंपियनशिप करवाएं। बलोचिस्तान में बॉक्सिंग का इंतहाई टैलेंट है, सिर्फ इनको हुकूमती सरपरस्ती होनी चाहिए, अब्दुल्ला रंग ने खिताब करते हुए कहा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चैंपियनशिप क्वेटा में कराएंगे, जो कि पाकिस्तान के चारों सूबों से बॉक्सर आएंगे। मेहमान खास ने खिलाड़ियों को, मिडल और टेक्निकल ऑफिशियल्स और दीगर मेहमानों को शील्ड दिया। आखिर में मोहम्मद आसिफ ने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया।